तो इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी सिंस फोर को लेकर कि कहाँ सिंस फोर के साथ परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है और कहाँ सिंस फोर के साथ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिंस फोर को लेकर लोगों के बीच काफ़ी कन्फ्यूज़न बना रहता है कि सिंस फोर के साथ परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों यूज़ की होते हैं। इसलिए हमने इस चीज़ को पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ में देखा और हमने दूसरी बात ये देखी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट के किसी मोमेंटरी एक्शन को व्यक्त करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तब हम ऐसे वर्ड्स के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं नए रूल की। नया रूल ये है कि जब हम किसी प्रेजेंट के ऐसे एक्शन को व्यक्त करें जो जारी अवस्था में हो, जो ऑनगोइंग एक्शन हो प्रेजेंट का, तो जो प्रेजेंट का ऑनगोइंग एक्शन होता है उसको तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में व्यक्त किया ही जाता है, लेकिन अगर उस ऑनगोइंग एक्शन के होने की कोई वजह हो, कोई कारण हो, कोई रीज़न हो, तब हम उस रीज़न को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो बच्चा रो रहा है। अब बच्चा रोना क्या है? एक प्रेजेंट का एक ऑनगोइंग एक्शन है, एक जारी एक्शन है, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में व्यक्त करेंगे। अगर उसके रोने की कोई रीज़न, उसके रोने का कोई रीज़न है, कोई कारण है, कोई वजह है, तो उस वजह को व्यक्त करने के लिए हमें परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होगा। जैसे वो बच्चा रो रहा है क्योंकि वो भूखा है, तो हमें लिखना होगा द बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज इट हैज़ हैड हंगर, और द बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज इट हैज़ बीन हंग्री। वो बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे भूख है, वो भूखा है। तो भूखा होना क्या है? उसके रोने की वजह है, तो जो वजह है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ इंटरोगेटेड बिकॉज शी हैज़ कमिटेड अ क्राइम। उससे पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा हो, क्योंकि उसने क्राइम किया है। अब उससे क्यों पूछा जा रहा है? पूछने की वजह यह है क्योंकि उसने क्राइम किया है। तो क्राइम करना क्या है? एक कारण है, रीज़न है, इसलिए उससे पूछा जा रहा है। तो जो कारण होते हैं, रीज़न होते हैं ऑनगोइंग एक्शन के, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर ट्रेम्बलिंग बिकॉज दे हैव सीन अ गोस्ट। वे कांप रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक भूत को देखा है। तो उनका कांपना क्या है? उनका कांपना एक प्रेजेंट का एक ऑनगोइंग एक्शन है जो जारी अवस्था में है। तो जो जारी अवस्था वाले जो एक्शन होते हैं उनको कंटिन्यूस टेंस में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ उनके कांपने की वजह क्या है? उनके कांपने की वजह है भूत को देखना। तो भूत को देखना एक वजह है, रीज़न है, कारण है, जिसकी वजह से वो कांप रहे हैं। तो जो रीज़न होता है, जो वजह होती है, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो रिज़ल्ट होते हैं, जिसकी वजह से कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम स्नीजिंग बिकॉज आई हैव हैड अ कोल्ड। मैं छींक रहा हूँ क्योंकि मुझे जुकाम है। तो मेरा छींकना क्या है? प्रेजेंट का एक ऑनगोइंग एक्शन है जो जारी अवस्था में है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में व्यक्त करेंगे। अब मेरे छींकने की वजह है कि मुझे जुकाम है, तो मुझे जुकाम होना एक वजह है, रीज़न है, तो उसको हम परफेक्ट टेंस में व्यक्त करेंगे। तो जब भी प्रेजेंट के किसी ऐसे एक्शन को व्यक्त करना हो जो ऑनगोइंग एक्शन हो प्रेजेंट का, जारी अवस्था में हो, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में व्यक्त करें, और उसके होने की कोई वजह हो, जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है उसके होने की कोई वजह हो, कोई कारण हो, तो उसको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में व्यक्त करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि प्रेजेंट के ऑनगोइंग एक्शन होने का अगर कोई रीज़न है तो उस रीज़न को प्रेजेंट परफेक्ट में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, सम वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट टाइम एक्सप्रेशन एक्सटेंडिंग टू प्रेजेंट। इन सच अ केस ऑलवेज यूज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पास्ट के किसी एक्शन को प्रेजेंट तक रिलेट करते हैं, प्रेजेंट तक बताते हैं कि कोई पास्ट का एक ऐसा एक्शन है जो अभी तक प्रेजेंट तक हो रहा है। तब हम ऐसी कंडीशंस में उन वर्ड्स के साथ हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। वर्ड्स कुछ इस प्रकार हैं, थ्रू आउट, हाउ लॉन्ग, ऑल लॉन्ग एंड होल एक्सेट्रा, और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जब भी किसी भी ऐसे एक्शन को व्यक्त करें जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक बताए, तब हम इन वर्ड्स के साथ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। अदरवाइज इनके साथ और भी टेंस यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑल लॉन्ग योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
ये जो लिखा है ऑल लॉन्ग योर लाइफ, ये कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है कि पास्ट से लेकर अभी तक आप अपनी ज़िंदगी में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ऑल लॉन्ग योर लाइफ की वजह से हमें इस सेंटेंस को सही करके लिखना होगा, यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम ऑल लॉन्ग योर लाइफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं, तो कब से रह रहे हैं, ये जो है ना हाउ लॉन्ग जो लिखा है ये पूछ रहा है पास्ट से लेकर अब तक। तो जब कोई ऐसा वर्ड हाउ लॉन्ग, ऑल लॉन्ग, ऐसा वर्ड, इनमें ऐसे कोई सा भी वर्ड पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की बात करे, तब इन वर्ड्स के साथ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट से पूछ रहा है और प्रेजेंट तक पूछ रहा है, तब हमें ऐसी कंडीशन में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू ऑल दीज डेज, अब यहाँ ऑल दीज डेज जो लिखा है ये बताता है कि कहीं ना कहीं कोई काम पर पास्ट से प्रेजेंट तक हो रहा है। तो जब कोई काम पास्ट से प्रेजेंट तक होता है तब हम ऐसी कंडीशन में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो हमें लिखना होगा आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू ऑल दीज डेज। अब कुछ ऐसे सेंटेंस में बताता हूँ इनके इन वर्ड्स के साथ में जो पास्ट टाइम से लेकर प्रेजेंट तक की बात नहीं करते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर पास्ट से प्रेजेंट तक की बात करेंगे तभी इनके साथ परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द सन, अब इसमें ये पूछ रहा है फ्यूचर की बात कर रहा है ये कि इसको सूरज तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पास्ट से प्रेजेंट तक की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात है। तो जब फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर टेंस भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर गंगा, अब यहाँ बात हो रही है गंगा नदी की कि गंगा नदी कितनी लंबी है। अब यहाँ कोई ऐसा एक्शन तो है नहीं जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक हो रहा हो, अगर ऐसा एक्शन होता तो परफेक्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि गंगा नदी कितनी लंबी है, तब ऐसी कंडीशन में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया भर में बोली जाती है। तो यहाँ भी कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक हो रहा हो। तो कहने का मतलब यह है कि इन वर्ड्स के साथ हमेशा तभी परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा जब ये इनके साथ में कोई ऐसा एक्शन आए जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक हुआ हो या हो रहा हो, तब हम ऐसी कंडीशन में परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, अदरवाइज इनके साथ में कोई सा भी टेंस यूज़ हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, वी शुड यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ हेयर एंड देयर, जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हेयर या फिर देयर से स्टार्ट होता है तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। एक्सक्लेमेटरी साइन कौन सा होता है, जो एक डंडा होता है और उसके नीचे एक बिंदी होती है, उसको एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल जब छोटे बच्चों को एक बस लेने आती है स्कूल के लिए, तो जब वो बस को एकदम अचानक से देखते हैं तो वो कहते हैं कि वो देखो बस आ गई। तो उनके मुँह से जब कोई ऐसा सेंटेंस निकलता है, अचानक से जो सेंटेंस निकलता है, तो उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे सेंटेंस जो अचानक से मुंह से निकलते हों किसी वजह से, किसी को देखकर भावुक होकर, तब ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है जिनके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। जो मैंने इंग्लिश की जो बेसिक के लिए जो मैंने वीडियोज़ डाली हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, उनमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। यदि अगर आपने वो वीडियोस ना देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, कौन से असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे कहा जाता है। तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वही सेंटेंस होते हैं जो अचानक से मुँह से कोई निकले हुए वर्ड्स हों, वो वर्ड्स एक सेंटेंस क्रिएट करते हों, एक सेंटेंस फॉर्म करते हों, वही वर्ड्स एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही कि जब भी कोई ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हेयर या फिर देयर से स्टार्ट हुआ हो, उसके लास्ट में एक साइन लगा हो एक्सक्लेमेटरी साइन, तभी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा,
अदरवाइज वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं कहलाएगा जब तक वो लास्ट में साइन ना लगा हो। तो हेयर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड हेयर इज कमिंग योर पेरेंट्स। तो यहाँ हेयर से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, तो इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करना होगा। तो हमें लिखना होगा शी सेड हेयर कम योर पेरेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी देयर इज गोइंग द बस। देखिए वो बस जा रही है, तो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, तो इसको भी हमें सही करके लिखना होगा सी देयर गोज द बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेयर इज कमिंग योर फ्रेंड। यहाँ एक एक्सक्लेमेटरी साइन है फ्रेंड के बाद में, तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और वो भी हेयर से स्टार्ट हुआ है। तो जो भी हेयर एंड देयर से स्टार्ट होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उन सेंटेंसेस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करना चाहिए। तो इसको लिखना होगा हेयर कम्स योर फ्रेंड। तो जब भी हमें किसी ऐसे सेंटेंसेस को व्यक्त करना हो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हो और वो सेंटेंस हेयर या फिर देयर से स्टार्ट हुआ हो, तब हम उस सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप सपोर्टिंग मी एज यूजुअल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।